हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों के झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और घरेलू उपाय। तो फ्रेंड्स, बालों के जो झड़ने की समस्या है वो बहुत ज़्यादा आम हो गई है, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को ही बालों के झड़ने की समस्या देखी जाती है। यदि हम बात करें कि बालों की अन्य समस्याओं के बारे में, तो फ्रेंड्स, बालों में कई तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे कि डैंड्रफ होना, दो मुहे बाल होना, बालों का रूखा सूखा होना, बालों में नमी ना रहना, ये सारे जो कारण होते हैं उसके कारण भी बाल टूटने और झड़ने लगते हैं। और साथ ही साथ बालों के झड़ने की समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो स्केल है वो दिखने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की समस्या को दूर करने के लिए आप घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ करने से भी बाल खराब हो जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है, खान पान है, और हमारा जो बालों पर अच्छी तरीके से देख रेख ना करना, ये भी बालों के झड़ने की समस्या को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की समस्या को दूर करने के लिए आप किसी भी प्रकार के केमिकल युक्त किसी शैम्पू, कंडीशनर या तेल का प्रयोग ना करें। इसी के कारण ज़्यादातर बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा अगर आप घरेलू प्रयोग करते हैं तो ये आपके बालों के झड़ने की समस्या तो दूर करेगा ही, इसके साथ ही बालों में होने वाली कई प्रकार की और भी जो समस्याएं हैं उनको भी उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी, और आपके जो बालों में बाल हैं उनमें एक नई ग्रोथ आएगी और आपके बाल जो हैं बढ़ने लगेंगे, और साथ ही बालों के झड़ने की समस्या भी दूर होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रयोग बताने जा रहे हैं हिना का। हिना यानी कि मेहंदी का इस्तेमाल बालों को वैसे तो रंगने यानी कि कंडीशन करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो मेहंदी होती है इसका प्रयोग अगर आप अपने बालों में करते हैं तो ये आपके बालों के झड़ने की समस्या को भी रोकने में बेहद लाभदायक है। फ्रेंड्स, यदि आप मेहंदी को अपने बालों में सरसों के तेल के साथ मिलाकर लगाते हैं तो इससे आपके बाल मजबूत होते हैं, इसके साथ ही बालों का जो झड़ना है वो भी बंद हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बताते हैं कि आपको ये प्रयोग किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, आपको 250 ml कम से कम सरसों का तेल लेना है, उसमें कम से कम 60 ग्राम सूखी जो मेहंदी के पत्ते होते हैं उसको आप ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो जो ताजे पत्ते होते हैं उनको भी आप पानी में उबालकर इसका पानी ले सकते हैं, या फिर इसे पीसकर मिक्सर में पीसकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ताजे पत्ते मिलना तो बहुत ही आसान नहीं होता है, तो मार्केट में आपको मेहंदी का पाउडर मिल जाएगा, तो इसमें आपको कम से कम 60 ग्राम सूखे मेहंदी के जो पत्ते का पाउडर होता है वो आपको लेना है, और इसको दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और इसके बाद अपने बालों की जड़ों में इसका प्रयोग कीजिए। बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से इसको लगाइए, और इसके बाद आप इसको 2 से 3 घंटे आधे घंटे तक करीब लगा रहने दीजिए, और इसके बाद आप बालों को धो लीजिए। धोने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपने बालों में नारियल का तेल अप्लाई करना है। अपने बालों में अच्छी तरीके से नारियल के तेल से आप मसाज कीजिए, और उसके बाद वापस से अपने बालों को धो लीजिए। नारियल का तेल आपके बालों को कंडीशनर करेगा, और जो मेहंदी है वो आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। इसके साथ ही बालों में होने वाली कई प्रकार की समस्या जो होती हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।